आधार कार्ड को लेके सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। आप UIDAI के पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का एक नोटिस देखने को मिलेगा। अब इस नोटिस का क्या मतलब है, आधार कार्ड का इस नोटिस से क्या लेना देना है, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। अगर आप एक आधार कार्ड धारक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, आप आधार कार्ड से कोई भी लाभ नहीं ले सकेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को 2 मिनट का टाइम निकाल के वॉच कर लीजिए, और वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है UIDAI, आपके सामने नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है। यहां से आकर आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो आप आधार कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आपके सामने देखिए इस तरीके का एक नोटिस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक आपने अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन नहीं कराया है, अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, तो आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड रद्द ना हो, कैंसिल ना हो, तो उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। अब आप अपने आधार कार्ड को 2 तरीकों से अपडेट करा सकते हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन, यहां पर आपको अपने घर के नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा और वहां पर जाकर आपको उनको 50 रुपए देने होंगे तो आपके आधार कार्ड को अपडेट कर देंगे। और दूसरा तरीका है ऑनलाइन घर बैठे ही आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप ऑनलाइन घर बैठे अगर करते हैं तो आपको सिर्फ 25 रुपए पे करने होंगे तो आपका आधार अपडेट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आप घर बैठे कर रहे हैं उसमें अभी आपको रुपए कम लग रहे हैं, तो आपका ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपको इसी की कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच करते रहिए। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, अपडेट आधार वाले सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहां पर आकर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, इस कैप्चा को यहां पर फिल करना है, फिर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहां पर डालना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस तरीके का पेज आएगा, यहां पर आपकी डिटेल्स लिखकर आएगी, जैसा कि नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस। तो आपको यहां पर नीचे आई वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की गाइडलाइंस दी जा रही है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 2 MB में होना चाहिए और इसका फॉर्मेट JPEG, PNG, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो इसमें दोस्तों आप सिलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखिए अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना लाइसेंस, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम यहां पर पैन कार्ड देने वाले हैं तो हम पैन कार्ड पर क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना है, जहां कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करने के बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, गैस का बिल यहां पर इसमें आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे तो उसके लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल्स एंड अपलोड, कंटिन्यू टू अपलोड, फाइल्स में जहां पर भी हमारा फोटो पड़ा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि देखिए हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी अपलोड हो गया है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको आई हेयर बाई पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको ओके पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, यहां पर आपको आई हेयर बाई पर क्लिक करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आपको 25 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको पेमेंट
आप UPI नेट बैंकिंग वॉलेट कार्ड्स किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, जैसे हम UPI के थ्रू करेंगे। दोस्तों जैसा कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, यानी सक्सेसफुल हो चुका है, आपके सामने इस तरीके सर्चिंग चलेगी और इस तरीके से डन का मार्क आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको लिखकर भी आ जाएगा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, यानी जो डॉक्यूमेंट अपडेट की जो प्रोसेस थी एप्लीकेशन थी वो हमने डाल दी है। यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट स्लिप कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी होगी जैसे कि आधार नंबर, SRN नंबर, आपने कितने रुपए पे किए हैं, वो डेट एंड टाइमिंग। आप SRN नंबर के जरिए अपनी रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट हुए भी हैं या नहीं हुए, आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया या नहीं हुआ, तो आप इस SRN नंबर के जरिए अपना स्टेटस चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और आप आधार कार्ड से कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।